माई सेल्फ इज अरसलान ग्यास और आज मैं आपके लिए एक बिजनेस से रिलेटेड लेक्चर लेकर आया हूँ। लेकिन और ये चैनल भी मैंने इसलिए क्रिएट किया है जिसमें मैं आपको बिजनेस और मोटिवेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता रहूँ। और आज का ये जो लेक्चर है ये बहुत यूनिक है क्योंकि ये मैंने आप सबकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए इसमें मैंने खुद के मॉडल क्रिएट किए हैं और ये मॉडल आज तक शायद किसी और ने ना प्रेजेंट किए हों और ये मॉडल ना ही किसी और बुक में है क्योंकि ये मॉडल मैंने अभी अभी खुद रीडिज़ाइन किया है। आपको मैंने जैसे कि बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा मुताला करता हूँ और मेरे पास सैकड़ों से ज़्यादा बुक पढ़ी हुई है मोटिवेशन से रिलेटेड। लेकिन चलें आज का लेक्चर स्टार्टअप करते हैं, ये बात की बातें बाद में होती रहेंगी। आज का बिजनेस मॉडल ये है कि हम सबको प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आती है, मार्केटिंग प्रॉब्लम आती है, मैनेजमेंट प्रॉब्लम आती है, एग्जीक्यूटिव प्रॉब्लम आती है, सेल की प्रॉब्लम आती है, परचेज की प्रॉब्लम आती है, एम्प्लॉय को हायर करने की प्रॉब्लम आती है, उनको रिक्रूट करने की प्रॉब्लम आती है, उनकी ट्रेनिंग की प्रॉब्लम आती है। बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जब हम एक बिजनेस स्टार्टअप करते हैं। जब हम एक बिजनेस स्टार्टअप करते हैं सबसे पहले हमारे दिल में यही चल रहा होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे इंक्रीज करें या अपने बिजनेस की ग्रोथ को कैसे इंक्रीज करें। हम इन प्रॉब्लम को देखना चाहिए लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि हमें इन प्रॉब्लम को नहीं देखना चाहिए, हमें सिर्फ अपने गोल की तरफ प्रेफर करना चाहिए। अब गोल की तरफ तभी प्रेफर होगा जब हमारी थॉट हमारी विलिंग पावर बहुत अच्छी होगी और हमें अपनी गोल को ऐसे ही क्रिएट करने के इसके इस गोल को फुलफिल करने के लिए हमारे पास एबिलिटीज हैं स्किल्स हैं कि नहीं है। अगर हमारे पास उस गोल के मुताबिक स्किल्स और एबिलिटीज ही नहीं होंगी तो फिर हम अपने बिजनेस को कभी ग्रो नहीं कर सकते। इसलिए बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें देखना है कि हमारे पास उस तरह की विल पावर है कि नहीं है। जब हमें पता चल जाएगा हमारे पास विल पावर है कि नहीं है उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमें स्केड्यूल क्रिएट करना चाहिए और स्केड्यूल तब ही क्रिएट होगा जब आपके प्रोसीजर्स एंड सिस्टम अच्छे होंगे। जब आपका प्रोसीजर एंड सिस्टम अच्छा होगा और आपके स्केड्यूल अच्छे होंगे तो आप अपने गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक और बात शेयर करता हूँ कि हर इंसान को प्रॉब्लम आनी पड़ती है और लोग मुझसे यही डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में कि हमें टाइम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम अपने टाइम पर अपने टास्क असाइन नहीं करते। तो मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और देखा जाए तो मैं खुद एक बिजनेस स्टूडेंट हूँ और मैं हर चीज़ में हमेशा अव्वल नंबर पर आता हूँ, हर चीज़ में मैं अचीव करता हूँ और नए से नए टास्क करने की मुझे पड़ी होती है। देखने आपके लिए मैं न्यूज़ एंड न्यू वीडियोस बनाता रहता हूँ और ज़्यादातर वीडियोस मेरी खुद की होती हैं क्योंकि मैं खुद सोचता हूँ कि मैंने कुछ करना है और करके छोड़ना है। अब बात करते हैं कि यार टास्क, मैं खुद को टास्क असाइन करता हूँ कि मैंने काम करना है। टास्क उस टास्क को असाइन करने के बाद मैं उस चीज़ का स्केड्यूल बना दूँ कि इस टाइम पर मैंने ये काम असाइन करना है, इस टाइम पर मैंने ये काम पूरा करना है। जब मैं एक टास्क का टाइम बना लेता हूँ उसके बाद मैं अपने टास्क की तरफ लग जाता हूँ, जब तक वो मेरा टास्क फुलफिल नहीं होता तब तक मैं सोता नहीं हूँ। आप बात करते हैं कि टास्क तो हमारा फुलफिल हो जाएगा लेकिन टास्क को फुलफिल करने के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। टास्क को फुलफिल करने के लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, एक डायरेक्शन, सेकेंड वन स्केड्यूलिंग। इसका वैसे मैं जिक्र ज़्यादातर वीडियोज़ में करता हूँ। स्केड्यूलिंग क्या है? स्केड्यूलिंग वही है कि जो आप टास्क फुलफिल कर रहे हो उसका स्केड्यूल बनाओ, यानी एक पाई चार्ट बनाओ कि आज मेरा ये काम है, आज मैंने ये करना है, दूसरे दिन मेरा ये पाई चार्ट के ऊपर काम है, मैंने ये करना है, यानी वीकली पाई चार्ट बना लो और देखना है कि एक वीक के बाद तुम्हारी सक्सेस कहाँ से कहाँ होगी। लेकिन पाई चार्ट भी दो तरह के होते हैं, एक वो पाई चार्ट बनाओ जिसके अंदर तुम लिखो कि मैंने आज ये काम करने हैं और एक पाई चार्ट वो बनाओ जिसमें हम लाइन वाला पाई चार्ट बनाते हैं जिसमें स्क्वायर पाई चार्ट होता है ताकि तुम्हें ग्राफिकल भी पता चल सके आज मेरी ये लाइन ग्रोथ थी, अगले दिन मेरी ये लाइन ग्रोथ होगी। इसके साथ साथ अगर जब तुम ग्राफिकली बनाते जाओगे ना तुम्हें खुद ही अपनी ग्रोथ एक लाइन के मुताबिक पता चलती जाएगी, आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं यहाँ हूँ, परसों मैं यहाँ हूँगा। नाउ ये तो बात होगी स्केड्यूलिंग की। अब जैसे मैंने ये वीडियो बारे में सर्च किया क्योंकि मैं अपने वीडियोस में हमेशा पहले खुद सोचता हूँ कि मैंने क्या बनाना है, उसके बाद मैं सर्चिंग और डाटा ढूंढता हूँ कि इससे रिलेटेड मुझे क्या डाटा मिलेगा। तो इससे रिलेटेड मुझे दो क्यूरीज मिली, एक मैन्युफैक्चरिंग की क्यूरीज और एक क्वालिटी की क्यूरी। मैन्युफैक्चरिंग की क्यूरी मेरे आगे आई क्योंकि कुछ लोगों का क्वेश्चन यह था कि जब हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं तो हमारे आगे प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल आउट करें या फिर हमारे प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट होना चाहिए जो हमने सेल आउट करना है। हाँ, इसके जवाब में मैंने इसको कहा कि नहीं, हमारे पास दो प्रोडक्ट होने चाहिए, प्रोडक्ट एक होना चाहिए लेकिन उसके एग्जाम बहुत ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि एक हाई लेवल का प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस करना चाहिए, एक मिडिल लेवल का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए, एक लो लेवल का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए। अब ये प्रोडक्ट की थ्योरीज हो गई कैसे,
कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि लोअर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। शायद आज के पहले इस वीडियो के बारे में मैंने सुना, तो इस वीडियो जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ इससे पहले किसी और ने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया। अब हमें जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको हमने उन कंट्रीज को सेल आउट करना चाहिए जो कि अच्छी प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का जो हमारा प्रोडक्ट है, हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें यूरोपियन कंट्री को सेल आउट करना चाहिए जो कि डेवलप कंट्रीज हैं। जब हम अपने बहुत बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट एक डेवलप कंट्री को सेल आउट करेंगे ना, तो वहां से हमें बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा और वो यूरोपियन कंट्री हमारी एडवर्टाइजिंग, हमारी पैकिंग, हमारी इनोवेशन, हमारी प्रमोशन, हमारी स्ट्रेटेजीज, ये सब देखकर हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगी। और जब वो हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी और हमें वहां से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। ये तो बात होगी हाई लेवल प्रोडक्ट के बारे में। मिडिल लेवल प्रोडक्ट हमें उन कंट्रीज में सेल आउट करना चाहिए जो कि लोअर, अंडर डेवलप और हाई डेवलप कंट्री के दरमियान में होते हैं, यानी कि मिडिल लेवल कंट्रीज के दरमियान। यहाँ से भी हमें रेवेन्यू जनरेट होगा पर इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा जितना हमें हाई लेवल कंट्री से जनरेट होगा। जब हमें यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसे हमें अपने प्रोडक्ट की और क्वालिटीज को बेहतर करना चाहिए और इसके साथ साथ हमें उन लो लेवल क्वालिटी की जो प्रोडक्ट होगी हमें लो लेवल कंट्रीज में सेल आउट करनी चाहिए। हमें यहाँ से मिनिमाइज जनरेट हो जाएगा रेवेन्यू। लेकिन ये बात होगी कि हमने अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर। लेकिन यहाँ पे मैंने एक और बात की आपसे क्वालिटी के बारे में। अब क्वालिटी क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि हमारी क्वालिटी बहुत ज्यादा बेहतर है लेकिन इसी हमारे पास सेल आउट ज्यादा इंक्रीज नहीं होती। इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, आपकी सेल आउट क्यों नहीं इंक्रीज होती, क्योंकि आपकी क्वालिटी तो अच्छी है लेकिन आपको मैनेज नहीं करना आता। अब मैनेज तीन चीजें, अब यहाँ पर मैंने तीन चीजों को देखा था। एक, कस्टमर के ऊपर आप फोकस करते रहते हो बाकी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते। अब क्वालिटी में आपको तीन चीजें देखनी पड़ती है, कस्टमर फोकस, दूसरी बैकवर्ड इंटीग्रेशन, तीसरी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, कि आप इस टाइम कहाँ खड़े हैं, कहाँ जाना है और कैसे जाना है। और दूसरी चीज आपके पास आ रही है यहाँ पर कि आपने अपने कस्टमर को कैसे फोकस करना है। नाउ ये चीजों को देखते हुए मैंने आपके लिए एक टाइम टेबल बनाई। मैंने सोचा कि एक एंटरप्रेन्योर 8 से 10 घंटे ही काम करते हैं। मैं खुद एक बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता हूँ, मैं खुद एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। लेकिन जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि आप पहले बिजनेस स्टार्टअप करने से पहले एक इमेजिनरी इन्वेस्टमेंट किया करें, तो यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ कि आज हमारे पास 8 से 10 घंटे एंटरप्रेन्योर काम करते हैं। अब 6 घंटे एंटरप्रेन्योर को कस्टमर फोकस के ऊपर देना चाहिए, एक अच्छे बिजनेसमैन को 6 घंटे कस्टमर फोकस के ऊपर देने चाहिए और जो बाकी 8 है उसको कोई और बंदा साइन कर लेना चाहिए जो आप उसके कस्टमर के ऊपर फोकस दे। बीच में रहे कि 4 घंटे 10 घंटे में से 6 घंटे कस्टमर फोकस, 2 घंटे उसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन में देने चाहिए, 2 घंटे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में देने चाहिए। यकीन मानिए उसका बिजनेस 5 से 7 सालों में बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाएगा और यकीन मानिए उसका बिजनेस कभी फेलियर की तरफ नहीं जाएगा। ये तो बात हो गई कस्टमर फोकस की तरफ। अब मैंने आपको स्टार्टअप में कहा था वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मैंने ये वीडियोस में अपने खुद के मॉडल क्रिएट किया और जहां तक तो मैंने जो बात किया वो मैंने खुद से ही डेवलप किया है। अब यहाँ पर मैं 3 मॉडल डिस्कस करना चाह रहा हूँ, एक क्रोपा मॉडल, एक एडो मॉडल, एक ग्रोथ मॉडल। देख लीजिए आप नेट पर सर्च कर लेंगे आपको ये मॉडल ही मिलेंगे क्योंकि ये मेरे खुद के बनाए हुए मॉडल है। क्रोपा मॉडल, क्रोपा मॉडल CROPA, ये क्रोपा मॉडल है। अब क्रोपा मॉडल है क्या चीज? क्रोपा मॉडल से मुराद है करेंट रियलिटी ऑप्शन ऑप्शन पर्पस अटेंशन। अटेंशन से मुराद मैं यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ले रहा हूँ। नाउ करंट रियलिटी क्या है? करंट रियलिटी से मुराद ये है कि आप इस टाइम कहाँ खड़े हैं, यानी आपके रिसोर्सेज क्या हैं, आप किस चीज को अचीव करना चाह रहे हैं, आपका गोल क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपका करंट रियलिटी इस टाइम क्या है। नाउ करंट रियलिटी के बाद ऑप्शन, आपके पास मार्केटिंग क्या, आपकी एचआर क्या, आपके फाइनेंस क्या, आपके पास रिसोर्सेज कितने, आपकी स्ट्रेटेजीज क्या, आपकी कस्टमर कौन से, आपके प्रोडक्ट क्या, आपने किस तरह सेल करनी है, आपने किस तरह अपने कस्टमर को अपनी तरफ कैप्चर करना है। जब आपको इस चीज का पता चल जाएगा ये आपके पास ऑप्शंस आ गए हैं। अब इन ऑप्शंस को देखते हुए फिर मैं वही बात करता हूँ कि आपको अपने स्केड्यूल क्रिएट करने चाहिए। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि आपने ये काम इस तरह करने, इस तरह करने, इस तरह करने, इंशाल्लाह ताला आपके ऑप्शंस आपको बहुत ज्यादा इंक्रीज मिलते जाएंगे और इससे आपको पर्पस और भी इंक्रीज होता जाएगा। और पर्पस बनाने से पहले आपको 2 चीजों का ध्यान रखना चाहिए, एक परसेप्शन और एक एक्शन। जब आपके एक्शन आपके पर्पस के मुताबिक हो जाएंगे ना आपके परसेप्शन भी उस मुताबिक हो जाएंगे। और यकीन मानिए जब आपके परसेप्शन आपके एक्शन के मुताबिक हो जाएंगे और एक्शन आपके परसेप्शन के मुताबिक हो जाएंगे तो आपका बिजनेस उधर ग्रोथ स्टेज पर आ जाएगा।
और आपका पर्पस खुद ही फुलफिल होने लग जाएगा और इससे आपके बिजनेस की स्टैब्लिशमेंट क्रिएट हो जाएगी। देखिए क्रोपा मॉडल को मैंने इस मॉडल के साथ कैसे आपके साथ मिलाया कि आप कहाँ हैं और आपका गोल क्या है और आपने इस गोल को कैसे अचीव करना है। नाउ बात हो गई ये तो क्रोपा मॉडल के बारे में और यहाँ पर मैंने बात किया पर्पस के बारे में। अब आप लोग बात करते कमिटमेंट, क्या आपने गोल को कमिट किया है, इसको फुलफिल कैसे करना है। इसके लिए मैंने अपनाया ग्रोथ ग्रोथ मॉडल और ग्रोथ मॉडल में मैंने तीन चीजों को डिस्कस किया, एक रियलिटी को, एक ऑप्शन को, एक थर्ड वन वे फॉरवर्ड को। अब रियलिटी, रियलिटी क्या है, रियलिटी में आप देखते हैं कि आप इस टाइम किस स्टेज पर खड़े हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले किया, आप इस टाइम खुद को एनालिसिस करते हैं, खुद का, खुद के बिजनेस का एनालिसिस करते हैं, खुद के प्रोडक्ट का एनालिसिस करते हैं कि आपका प्रोडक्ट, आपका बिजनेस इस टाइम खड़ा कहाँ है और आपने इस बिजनेस, इस प्रोडक्ट को आगे कैसे लेके जाना है। यानी अगर आपकी सेल आज 10% है तो इस सेल को कैसे इंक्रीज करना है जो कि 20% पर आ जाए, और अगर 20% पर है तो आपने इसे फ्यूचर में 100% या 200% पे कैसे लेके जाना है। इसके लिए आपको अपनी रियलिटी का अंदाजा होना पड़ेगा और इसके लिए फिर आपको फिर ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, आपको इसके लिए स्ट्रेटेजीज बनाने पड़ेंगे, प्लानिंग करनी पड़ेगी, गोल्स बनाने पड़ेंगे, अपनी मार्केटिंग बनानी पड़ेगी, मार्केटिंग पेनिट्रेशन बनानी पड़ेंगे, कस्टमर को कैप्चर करना पड़ेगा और कस्टमर को तभी कैप्चर बंदा करता है जब आपको फीडबैक बनाना पड़ेगा और फीडबैक से आप कस्टमर की कंप्लेन लें, अपने प्रोडक्ट के बारे में एनालिसिस करें, आपका प्रोडक्ट देखें किस डिमांड पर और कस्टमर की नीड को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। और जब आपके इन ऑप्शन को सामने रखते हुए आप थर्ड वन वे फॉरवर्ड की तरफ जाएंगे। फॉरवर्ड दो तरह के होते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड, एक इंटीग्रेशन फॉरवर्ड। बैकवर्ड फॉरवर्ड से मुराद वो फॉरवर्ड्स होते हैं जो कि आपकी पिछली गुजर चुकी होती है, आपने देखने कि मैंने पिछली गलतियों से सीखा क्या, आपने अपने बैकवर्ड से क्या सीखा है। जब आपको अपने बैकवर्ड का पता चलेगा फिर आप उसको मूव आउट करें और नेक्स्ट स्टेप की तरफ आए। जब आपको अपनी पिछली गलतियों का नहीं पता होगा, अगर आप प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च कर ही जाएंगे तो आपका प्रोडक्ट कभी इंक्रीज ही नहीं होगा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि क्वालिटी आपकी चाहे बेहतर हो जाए, और जब तक क्वालिटी आपकी बेहतर है लेकिन आपको अपनी क्वालिटी का नहीं पता कि आपने अपनी क्वालिटी को इंक्रीज कैसे करना है, यहाँ पे क्वालिटी बेहतर है लेकिन आपके प्रोडक्ट की सेल नहीं इंक्रीज हो रही तो आपको अपनी गलतियों का नहीं पता होता, जिस वजह से आप प्रोडक्ट इंक्रीज करते रहते हो, अपनी क्वालिटी को बेहतर करते रहते हो, लेकिन जब तक आप कस्टमर की नीड और उसकी प्रॉब्लम से नहीं देखोगे तब तक आपकी क्वालिटी कैसे इंक्रीज होगी और आपकी सेल और कैसे इंक्रीज होगी। नाउ एक और मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने एडो मॉडल डिराइव किया। एडो मॉडल, एडो से, ए से मुराद एस्टैब्लिशमेंट, आर से मुराद रियलिटी, आर से मुराद रिफ्लेक्शन, ओ से मुराद ऑप्शन, डब्ल्यू से मुराद वे फॉरवर्ड। देखे हम लोग एडो इस्तेमाल करते हैं लेकिन मैंने एडो को भी देखते हुए एक मॉडल क्रिएट कर लिया। एस्टैब्लिशमेंट क्या, आपकी एस्टैब्लिश क्या है, आपका गोल क्या है, आपका मिशन क्या, आपका विजन क्या है जिसको आप अचीव करना चाह रहे हैं। रियलिटी, आप इस गोल को कैसे अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, क्या आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, क्या एबिलिटीज होनी चाहिए जिसको देखते हुए आप इस गोल को अचीव करना है। जब आपके पास इस तरह की गोल्स, इस तरह की एबिलिटीज, इस तरह की पावर होंगी, विल पावर होंगे तो आप अपने गोल को इजीली अचीव कर लोगे। और रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से मुराद मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको मोटिवेट करना चाहिए अपनी टीम को, अपनी टीम के साथ अप्रिशिएट होना चाहिए, अपनी टीम के साथ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, उनको रिफ्लेक्ट करना चाहिए, उनको अट्रैक्ट करना चाहिए अपनी तरफ से। जब आप अपने इंप्लॉइज, अपनी टीम, अपने कस्टमर को अपने साथ अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे तो आपके प्रोडक्ट की ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए ओ इज दैट ऑप्शन, फिर वही बात आ गई ऑप्शन, आपको देखना होगा आपने अपने प्रोडक्ट को किस तरह इंक्रीज करना है और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बात किया, मार्केट पेनिट्रेशन बनानी पड़ेगी, अपने प्रोडक्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा, अपनी सेल सेंटर को देखना पड़ेगा, आपकी सेल कितनी, आपकी प्रोडक्ट कंट्रोल आपके हाथ में है कि नहीं, आपका ब्रांड अच्छा है कि नहीं है, आपका ब्रांड किस एज के लिए है, मिडल एज के लिए है, लो एज के लिए है, या फिर बूढ़ों के लिए है, जवानों के लिए, खवातीन के लिए, मर्दों के लिए, किसके लिए आपका ब्रांड है। जब आपको ये पता चल जाएगा, और किस उम्र के लोगों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, बिजनेसमैन के लिए है, या होम डोमेस्टिक पर्पस के लिए है, या बिजनेस पर्पस के लिए, या स्टेशनरी पर्पस के लिए है, क्योंकि हमारी दुनिया ब्रांड से बड़ी बड़ी है, क्लोथिंग ब्रांड, और हमारी मार्केट भी बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें कंपटीशन का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है। और इन कंपटीशन को देखते हुए मैंने थ्री मॉडल्स डेवलप किए हैं। आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं और आपने इन ऑप्शन को देखते हुए आगे फॉरवर्ड होना होता है, और जब आपने बिजनेस की तरफ अच्छी तरह से फॉरवर्ड हो जाएंगे तो आपका बिजनेस खुद का खुद रन अप पे आ जाएगा और आपका बिजनेस ग्रोथ रेट पर आ जाएगा। ये मैंने खुद मॉडल ड्राइव किए हैं और ये एक छोटा सा लेक्चर था अबाउट बिजनेस से रिलेटेड। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्टअप करें तो आप इसी तरह से कुछ मॉडल क्रिएट कर लिया करें जिससे आपके बिजनेस की रन ग्रोथ रेट बढ़ती रहेगी। और आज का मैं लेक्चर यहाँ से ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इसको ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आपके पास
इससे भी रिलेटेड और इससे भी अच्छा अगर कोई बिजनेस मॉडल में तो मुझे जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। और आप खुद भी इसी तरह के अपने बिजनेस मॉडल को ड्राइव करिएगा। और अल्लाह हाफिज।